मेरठ में एक स्कूल ने अब बच्चों के लिए नया फरमान जारी किया है, जहां बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से मैसेज भेजे गए हैं कि बच्चे स्कूल में दो लंच बॉक्स लेकर आएंगे। सुनकर और पढ़कर हैरानी हो सकती है, आखिर दो लंच बॉक्स क्यों मंगाए जा रहे हैं। यह स्कूल सीबीएसई बोर्ड का है, जहां स्कूल ने नई टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दी है। वहीं इस पर बच्चों के पेरेंट्स ने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि मेरठ के मनावा रोड पर शांति निकेतन विद्यापीठ के नाम से स्कूल अब श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल मेरठ के नाम से है। 21 अगस्त तक इस स्कूल की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 तक थी, लेकिन अब इसके समय को बढ़ाया गया है। सुबह का समय 8 बजे ही रखा गया है, जबकि दोपहर का समय 1:30 बजे के बजाय 3 बजे कर दिया गया है। यानी स्कूल में बच्चे अब 7 घंटे रहेंगे। वही यह स्कूल 12वीं तक का है, जो मेरठ शहर से दूर देहात क्षेत्र में है। वही पेरेंट्स ने स्कूल में जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उनसे कहा गया है, पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें कहा गया है कि बच्चे सुबह 7 बजे घर से जाते हैं। इस समय गर्मी का मौसम है, सुबह की बनी सब्जी दोपहर तक खराब हो जाती है। वही स्कूल की तरफ से कहा गया है कि बच्चे 2 टिफिन लेकर आए, तो क्या ये बच्चे गर्मी में खराब खाना खाएंगे? या उमस भरी गर्मी का मौसम है, बच्चे बीमार हुए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।